तो भाई आप सिर्फ ऑक्शन का ही काम करते हो क्या? नहीं नहीं मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अच्छा भाई का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, वैसे ऑक्शन में भी आप पार्ट लेते हो? ऑक्शन में कितने मतलब फायदा कितना हो जाता है मेरे को ये बताओ यार। मैंने ऑक्शन का मैंने तो फायदा बहुत है ऑक्शन में, ऑक्शन का माल आप सस्ते में ले सकते हो और आगे महंगे में बिकता और बहुत बढ़िया फायदा है। काम करते हो जैसे कोई यहाँ से चीज ली और उसको एक्सपोर्ट किया उससे ज़्यादा प्रॉफिट ऑक्शन के बाद। अच्छा भाई ये क्या आया हुआ है पूरा कॉपी का कंटेनर, मतलब आप क्या है कि आप ना कॉपी नहीं उतार सकते, कॉपी जूते उतारोगे ना तो आपको आई पी आर चाहिए। आप क्या है कि बाहर सस्ते मिलते हैं, आप ऐसे उतार नहीं सकते कॉपी वाले जूते कभी भी, इसके लिए आपको आई पी आर चाहिए होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो उसके चक्कर में कंटेनर रुका होगा। वैसे तो आजकल जूतों में भी है, ये देखो एडिडास के जूते, ये नाइकी वाले, ये मेरे पास भी है बट ओरिजिनल वाले। सर भाई साहब देख लो ये आपके सारे किचन वेयर के आइटम है, देखिए चिमनी वगैरह आई हुई है सारी, ये चिमनीज हैं, ये चिमनीज के पार्ट हैं। और आइटम देखो कितना नया है, एकदम बिल्कुल ब्रांड न्यू है इस टाइम पे, तो मतलब समझ लो कि प्रॉफिट मार्जिन कितना हो सकता है इस पे। आओ ना देखो माल, कंटेनर नंबर लिख के ले जाओ, आइटम लिख के ले जाओ, ऑनलाइन बोली लगाओ लगाओ। ये भाई भी देखो यूट्यूब से आए हुए हैं। भाई क्या हाल चाल? बढ़िया सर। तो भाई आप भी यूट्यूब देख के आए हो यहाँ पे? सर मैं पहली बार आप ही का चैनल देख। अच्छा मेरा ही चैनल, आपको काफ़ी 2-3 महीने से फॉलो भी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और आपका कन्वर्सेशन बहुत बढ़िया लगा मेरे को। अच्छा अच्छा। भाई क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक भाई आए हुए हमारे चैनल देख के आए थे यहाँ पे, तो पहली बार ऑक्शन में पार्ट लेने। भाई लिस्ट दिखाओ अपनी, ये देखो ये लिस्ट है कंटेनर की लिस्ट, कहाँ है सारी? ये देखो ये कंटेनर की लिस्ट है। आओ कंटेनर नंबर ऐसे आपको दिख जाएगा, देखो ये जूते का कंटेनर है, ये जूते का कंटेनर है, आपको कंटेनर नंबर यहाँ दिखेगा, ये दिख रहा है आपको NYKU 5627163। ज़्यादा मतलब इसमें पार्ट किस तरीके से लेना है आपको? पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है MSTC में। जी ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस होना चाहिए, मतलब IC कोड होना चाहिए। IC कोड होना चाहिए। इसमें ऑक्शन में पार्ट लेने के लिए भी IC कोड चाहिए? जी जी, इसमें आपको IC कोड होना चाहिए, ITR रिटर्न लगती है, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, और उसके बाद बैंक से वेरिफिकेशन के लिए लेटर लगती है के साइन वेरिफिकेशन के। चलो ये सारे तो डॉक्यूमेंट वहाँ पता चले जाएंगे। मेन मतलब है इसमें पैसा कितना लगेगा साल का पार्ट लेने के लिए? पार्ट लेने के लिए आपको पैसा देना होता है 11,800 रुपये। वो एक साल के लिए वैलिड है? एक साल के लिए वैलिड है। ऑल ओवर इंडिया में जहाँ जहाँ जो भी ऑक्शन हो रहा है जाके अपना देखो, पार्टिसिपेट करो, अपना नंबर नंबर लिखो, फिर बाद में ऑनलाइन बोली लगाओ। ये देखिए कितने कितने पुराने पुराने कंटेनर यहाँ पड़े, ये कुछ बच्चों के जो वो होते हैं चेयर टाइप के, खिलौने टाइप के वो आए हुए हैं। ये आया हुआ है आपका पूरा जूतों का कंटेनर। और आजकल मैं बता दूं आप लोगों को कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली जूतों पे BIS भी कर दिया, तो मेरे ख्याल इसमें भी BIS हो सकता है, या तो पहले इम्पोर्टेड होगा तो शायद नहीं लगे BIS। इसके लिए चाहिए आपको सेटअप, अगर यहाँ से कंटेनर आपको लेना है ऑक्शन से, मैं तो कहता हूँ कि एयरपोर्ट वाले जो ऑक्शन होते हैं छोटे वाले, जो अगला मैं वीडियो बनाऊंगा वो एयरपोर्ट ऑप्शन पे बनाऊंगा, वो होंगे आपके जो छोटे छोटे दुकानदार ले सकते हैं, छोटे मोटे बिजनेसमैन ले सकते हैं, अपने खुद के यूज़ के लिए आप ले सकते हो। बाकी जो कंटेनर वगैरह अगर लेते हो ना यहाँ से, तो भाई आपको चाहिए अच्छा पैसा बिडिंग लगाने के लिए सबसे पहले, तो उसके बाद कंटेनर की मूवमेंट, ट्रांसपोर्ट का पैसा, फिर इसको स्टोर करने का पैसा, फिर आपको इसको बेचने का पैसा, तो लंबा इन्वेस्टमेंट है। अगर आपका रनिंग बिजनेस है, आप बड़े बिजनेसमैन हो, तो आप कंटेनर को एक बार के लिए ऑप्शन में ले सकते हो, कंटेनर को सोचो। लेकिन फिर आप छोटे मोटे बहुत सारी ऑप्शन होते हैं इंडिया में, सिर्फ कंटेनर डिपो में नहीं होता, एयरपोर्ट में होता है, ONGC में होता है, जितनी PSUs हैं इंडिया की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सबके ऑप्शन होते हैं, कहीं पे छोटा आइटम होता है, कहीं पे बड़ा आइटम होता है, सारे के ऑप्शन में आप पार्ट ले सकते हो। एक बार का रजिस्ट्रेशन है साल का 11,800 रुपये का, उसके बाद आप सारे ऑप्शन में इंडिया के वर्ल्ड वाइड इंडिया में जितने ऑप्शन होते हैं सारे ऑप्शन में पार्ट ले सकते हो। बाकी मैं तो हूँ ही आपके लिए, वीडियो लाता रहूँगा ऑप्शन के, तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछना, और वीडियो को लाइक तो बिल्कुल कर देना। तो मिलते हैं अगले किसी ऑप्शन वीडियो में।